हाँ तो दोस्तों आज देखिए ये हमने बनाए हैं पेड़े। और दोस्तों ये पेड़े मैंने मथुरा के बिल्कुल हलवाई जैसे स्टाइल में बनाए हैं। और दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वह है कि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। और जो भी आप इसको देखकर बनाने का कोशिश करता है तो वो समय देखकर काफ़ी डर जाता है और वह बना नहीं पाता है। तो दोस्तों आज हम इसी समस्या का इसके अंदर समाधान करने वाले हैं कि आप इसे बहुत ही कम समय में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे मात्र 1 घंटे के अंदर बना लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी ऐड किया है और घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, जिससे कि हमारे जो इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और मैं इसे 2 बार में ऐड करने वाला हूँ। जैसे मैंने 500 ml दूध अभी ऐड कर दिया है और जस्ट इसी के साथ में 500 ml दूध और ऐड कर देता हूँ। और दोस्तों अब हमें इसे अच्छे से गर्म होने देना है और मैं गैस को फुल ऑन कर दूंगा। अगर आप किसी भी गैस पर या भट्टी पर या चूल्हे पर भी बना रहे हैं तो आप इसको फुल रखिए, जिससे कि हमारे जो बनाने की का समय है वह बहुत ही कम लगेगा। और मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि दूध बिल्कुल प्योर लीजिए और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा ये समय ज़्यादा ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों बहुत ही जल्द हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें से मात्र 70% दूध बचा है और इसमें से 30% दूध कम हो चुका है। और ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल हो रहा है, मैंने इसको फुल गैस पर रखा है इसलिए, और पानी इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो आप भी ऐसा करें और हमें इसे बीच बीच में लगातार कंटिन्यू चलाते रहना, जिससे कि हमारा जो दूध है वो नीचे से चिपके नहीं और ना ही जले, जिससे कि स्वाद बेकार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों अब यहाँ पर मात्र 30% दूध हमारा बचा है और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और दोस्तों मैंने इसे अभी भी इस वक्त भी मैं इसे फुल गैस पर ऑन कर रहा हूँ और इसे बिल्कुल चलाते रहना है, क्योंकि अब ये जो स्थिति आ चुकी है ये हमारा 50% काम कर चुका है। मैंने इसमें अपना समय लगाया था तो दोस्तों इसके अंदर मुझे 45 मिनट लगे हैं और 45 मिनट के अंदर ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो गया है अच्छे से, और आपको भी इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। और गाढ़ा करने के बाद दोस्तों इसे अब हमें अच्छे से ठंडे होने के लिए रख देना है, और ठंडा होने के बाद हमें इसे एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है। और दोस्तों बर्तन में अलग से निकालने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर उसी कढ़ाई को यूज किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर 350 ग्राम शुगर ली है और दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शुगर कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, और जिससे कि हमें कलर बनाने में बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मथुरा के पेड़े का जो कलर है वह बिल्कुल यही डार्क कलर होता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर शुगर को अच्छे से गर्म कर लेना है, जिससे कि ये कलर तैयार हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे हम शुगर को अच्छे से गर्म करेंगे तो ये एक पानी की तरह हो जाती है दोस्तों। जैसे ये देखिए ये बिल्कुल पानी हो चुकी है और इसका कलर आ चुका है, जैसे ये देखिए आप कलर बहुत ही अच्छा आया है। और दोस्तों इसके बाद कलर आने के बाद हमें इसके अंदर जो हमारा मावा है वो तैयार हुआ था उसको हम इसके अंदर ऐड करके मिक्स अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको कुछ इस प्रकार से मिक्स करना है कि बिल्कुल ये एकदम इस गैस को भी ऑफ कर देना है साथ में, जिससे कि हमारा जो कलर है अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छे से नीचे चिपके भी नहीं और गैस ऑफ होने की वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाता है और अब हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे दोस्तों। जैसे ही ये हमारा ठंडा हो जाएगा हम इसके अंदर आगे का काम स्टार्ट करेंगे और हमारे पेड़े हैं वो ये लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। जैसे ये देखिए अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है कि मैं इसको हाथ से अच्छे से मसल सकता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ जो शुगर ली थी 350 ग्राम उसका मैंने यहाँ पर पाउडर बना लिया है, और आप शुगर पाउडर का ही इस्तेमाल करें जिससे कि टेस्ट है वह बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम शुगर का पाउडर रख लिया है, मैंने यहाँ पर 300 ग्राम ही ऐड किया है और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब ये देखिए मैंने इसमें शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से मैं हाथ से लेके आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कुछ बनने की स्थिति में आ चुका है। लेकिन अब मुझे दोस्तों यहाँ पर एक चम्मच घी ऐड करना है, और एक चम्मच घी ऐड करने के बाद दोस्तों हमें इसे फिर से मिक्स करना होगा, और हमें इसे बारी बारी से घी ऐड करते जाएंगे 3 से 4 बार, और हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जिससे कि हमारा जो घी है बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ना रहे और कम में भी ना रहे, हम कम कम मात्रा में घी डालकर इसको अच्छे से मिक्स मिलाएंगे। अब आपको लास्ट में अच्छे से घी डालना है जिससे कि हमारे पेड़े हैं वो अच्छे से बंध जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर खूब सारा घी डाला है, और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके और पेड़े की शेप दूंगा। आप चाहें इसे चौकोर भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, या फिर गोल बना के उसको प्रेस करके चपटा भी कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी आकृति आप इसे बना सकते हैं पेड़े जैसी, लेकिन मैं यहाँ पर इसे गोल ही बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं। तो दोस्तों इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, मैंने यहाँ पर इसको पूरा 1 घंटे और 5 मिनट में पूरा तैयार कर दिया है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार बना लेना है, और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों अब हमारा ये पेड़े बनाने का सिलसिला पूरा हो चुका है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अगर आप कुकिंग स्पेशल रेसिपीज वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।